अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी आज तक टॉप न्यूज़ हिंदी परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हल्के असम्बली महाराष्ट्र के इलेक्शन के प्रचार काफ़ी जोरों शोरों से चल रहे हैं और आज हम आए हैं सत्यनु गंगाखेड़ विधानसभा के प्रचार के सिलसिले में। पूर्णा तालुके में हम आज हैं और यहाँ के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाआघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर मधुसूदन माणिकराव केंद्रे, जो अभी हाल में यहाँ के आमदार है और ये उनका दूसरा टर्म है, और यहाँ के जो लीडरान हैं हम उनसे जानते हैं कैसे प्रचार यहाँ पर चल रहा है। पूर्णा शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मोहम्मद अखिल अहमद साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि पूर्णा शहर और पालम गंगाखेड़, जो ये गंगाखेड़ असेंबली है, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की कितनी ज़्यादा उम्मीदें उन्हें नज़र आ रही है दोबारा कामयाबी की। अखिल साहब, इस्तकबाल है आपका परभनी आज तक टॉप न्यूज़ हिंदी के इस प्रोग्राम में। जो आज जो प्रचार चालू है यहाँ पर, क्या लगता है आपको, दूसरी मर्तबा डॉक्टर केंद्रे साहब अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अखिल अहमद, शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्णा। और यहाँ पर जो अभी असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं महाराष्ट्र के हल्के में 97 गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के अंदर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शेतकरी संगठना और कवाड़ेगढ़ साहब का रिपाई, शेतकरी संगठना, इन सभी के महाआघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर मधुसूदन जी केंद्रे साहब है और इस बार भी निश्चित रूप से वो अपनी जीत दर्ज कराएंगे। यहाँ पर बहुत हमेशा पूर्णा और पूर्णा तालुका ये जो है सो हमेशा से एक सेकुलर विचारों के पीछे चला आया है और आगे भी ये सेकुलर विचारों के साथ ही चलेगा। निश्चित रूप से हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये हम आपसे हमारी आपसे वादा है। यहाँ पर हमारे असेंबली हलके में लगभग 15 उम्मीदवार यहाँ पर है और पिछले 5 सालों में हम या हमारी पार्टी या हमारे आमदार साहब ये विरोधी पक्ष में रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर उनके विकास का जो जीडीपी ऊपर जाना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं गया। उन्होंने जितना कर सकते थे, सड़कें, हर जगह समाज मंदिर का काम, कब्रिस्तान के अंदर के जो दीवारें हैं, फेंसिंग वॉल्स है, जहाँ जहाँ पर वो जो कुछ भी कर सकते थे, जो 5 साल पहले जितनी खस्ता हालत थी, इन 5 सालों में उस हालत में तकरीबन 60% सुधार आया है। इसकी वजह है ये है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सो सारे समाज के लोगों को सभी धर्मों के साथ लेकर सभी के ऊपर उनकी पकड़ है और सभी लोग उनको चाहते हैं और इंशाअल्लाह बेशक इस बार भी वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। वैसा देखे जाए तो सभी को आमदार बनना है, लेकिन आमदार बनना इतना कोई आसान नहीं है। लोग अपने के पैसों के बलबूते पर अपनी ताकत सारी चीज़ों से वो आजमा रहे हैं कि इनको कैसा गिराया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनका ये काम है, इनके काम की ये पावती लोग देने वाले हैं। सेकुलर विचार रखने वाले लोगों के साथ पूर्णा हमेशा से साथ रहा और आगे भी साथ रहेगा और इंशाअल्लाह अब सरकार हमारी बनती है तो यहाँ का जो बैकलॉग है बिल्कुल हम 5 साल के अंदर ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा डॉक्टर साहब की तरफ से मैं आपको गवाही देता हूँ। 97 गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व महाआघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर मधुसूदन माणिकराव केंद्रे, इनका प्रचार काफी जोरों से यहां पर चल रहा है और दूसरी बार काफी ज्यादा उम्मीदें यहां पर दूसरी बार आमदार बनने की डॉक्टर मधुसूदन केंद्रे के यहां पर नजर आ रहे हैं। हमने अभी यहां के पूर्णा के शहर अध्यक्ष अखिल अहमद से बात की और यहां के तमाम पदाधिकारियों ने जो यहां का जो गणित बताया है उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रवादी को फिर एक बार जीत मिलने के काफी ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। पूर्णा से परभनी आज तक टॉप न्यूज हिंदी के लिए मैं कलीम कुरैशी।